अरब सागर में हाईजैक हुए जहाज में भारतीय नौसेना के कमांडोज ने सभी 15 भारतीयों को छुड़ा लिया है। ये साहसपूर्ण कार्य हमारी नौसेना के विशिष्ट समुद्री कमांडो मार्कोट्स ने किया है। इस जहाज को 5-6 हथियारबंद लोगों ने अपहरण करने की कोशिश की थी, लेकिन हमारे कमांडोज ने जहाज पर सवार सभी 15 भारतीय सहित 21 लोगों के चालक दल को वहां से सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद युद्धपोत INS चेन्नई सोमनलियार तट के पास अपहृत जहाज MV लीला नारफोक के पास पहुंचा था और भारतीय नौसेना ने समुद्री डाकुओं को अपहृत जहाज को छोड़ने की चेतावनी दी थी। हाईजैक हुए जहाज के SOS कॉल आने के तुरंत बाद नौसेना ने एक युद्धपोत समुद्री गश्ती विमान हेलीकॉप्टर और प्रीडेक्टर MQ-9B ड्रोन तैनात किए थे। जिस जहाज का अपहरण हुआ था वह 84,000 टन वजनी था, उसमें 15 भारतीयों सहित 21 सदस्य सवार थे। हालांकि अब सभी सुरक्षित हैं। नौसेना ने समुद्र पर हुए इस हाई वोल्टेज घटनाक्रम के वीडियो को शेयर किया है। एक्स पर शेयर किए गए वीडियो में कमांडो को जहाज पर चढ़ते और अपने ऑपरेशन को अंजाम देते हुए दिखाया गया है। जहाज के मालिकाना हक दुबई स्थित लीला ग्लोबल के पास है। इस संस्था के मुख्य कार्यकारी स्टीव कुंजर ने बचाव के लिए भारतीय नौसेना को धन्यवाद भी किया है।